नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू लाइफ क्लासेस में। मेरा नाम अमित कुमार पांडे। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा फुल लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट जो था एंशियंट हिस्ट्री का, उसको हमने समाप्त किया था, जो कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा कमेंट किया, उसको अच्छी तरह से देखा। ठीक है, यूपीएससी प्री का और एसएससी सीजीएल में या फिर रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सब में वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इसी के साथ। और ये दूसरा पार्ट मैं शुरू कर रहा हूँ वैदिक काल, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को सभी को पता होगा जो यह वैदिक काल है उसको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 1500 से लेकर के 600 ईस्वी ईसा पूर्व तक, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक पूरा वैदिक काल चला था। ठीक है, और हड़प्पा काल जो था पूरा नगरीय सभ्यता था, लेकिन हड़प्पा काल जब उसका पतन हो गया, ठीक है, पतन के बहुत सारे कारण थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसका पतन हो गया तो फिर से जो है लोगों ने बसना शुरू किया अच्छी तरह से। ठीक है, और यह जो लोगों का जीवन यापन शुरू से फिर से स्टार्ट हुआ, तो यह जो ऋग्वैदिक काल है फिर से ग्रामीण व्यवस्था हो गया। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो शुरू से आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। तो इसका समय निर्धारण आप लोग देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो समय था 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल था, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक है, ईसा पूर्व कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले तक। ठीक है, ठीक है, ईसा मसीह का जब जन्म हो गया, ठीक है, रोमन जो कैलेंडर है, ठीक है, रोमन साम्राज्य का जो कैलेंडर था, ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म 3 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद के समय काल को हम लगभग कहते हैं क्या कि ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब BCE कहीं कहीं लिखा रहता है तो मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, और AD लिखा रहता है कहीं कहीं MNDR। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ठीक है, पूछता है फ्रेंड कि वैदिक सभ्यता जो थी किस तरह की थी, मतलब ग्रामीण थी या नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को पता होगा कि नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी फिर से ग्रामीण सभ्यता हो गई थी। तो अब ग्रामीण सभ्यता थी, इसका मतलब यह पितृसत्तात्मक होता था, क्योंकि गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वह नहीं होती हैं घर की, मतलब वह मुखिया महिलाएं नहीं होती हैं गांव में, पिता होते हैं, मतलब पुरुष होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ऋग्वैदिक काल में भी जब पितृसत्तात्मक हो गया, ठीक है, इसका मतलब ग्रामीण व्यवस्था जब है, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में भी पुरुष लोग क्या होंगे, मुखिया होंगे, मतलब पितृसत्तात्मक हो गया। हड़प्पा काल में मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तो यह विशेष अंतर है। उसके बाद वैदिक समाज का आधार जो है परिवार था। ऋग्वैदिक काल में मूलतः व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, ये लोग गायों को पालते थे और गाय के दूध से जो भी मिलता था, ठीक है, गाय के दूध से ही बने हुए पदार्थ वो लोग खाते थे, मुख्य भोजन भी वही था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा काल में हमने देखा था कि उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, उन लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, लोथल जो था और गुजरात के पास, ठीक है, वह बंदरगाह था सूतकुदड़ा, जहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, घोड़े की हड्डियाँ, ठीक है, वह भी एक बंदरगाह था, वहाँ से व्यापार होता था। उस समय के जो भी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि फिर से कृषि करने लगे और पशुपालन करने लगे। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। कृषि और पशुपालन दोनों मूलभूत व्यवसाय थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय की जब बात आएगी तो पशुपालन था। ठीक है, आगे बात करते हैं वैदिक कालीन वेदों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो बात करें अगर वेदों की, तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार प्री के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यह आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि यजुर्वेद,
और ऋग्वेद और सामवेद, इन तीनों को अगर शुरू वाले तीनों को मिला दिया जाए तो वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, अब सभी वेदों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि वेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसका संकलन किन्होंने किया था, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद का इसमें कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं और 10462 मंत्र है। यह इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कितने सूक्त हैं, तो 1028। ठीक है, SSC CGL के एग्जाम में एक बार पूछा भी था, बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन एक बार तो मैंने खुद एग्जाम दिया था तो एक बार आया था। ठीक है, तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10462 मंत्र भी हैं। ठीक है, और दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे पुराना है। ठीक है, इन्हें वंश मंडल कहते हैं, और पहला और दसवां जो है आप लोगों को याद रखना है। देखिए आगे दिया भी हुआ है, दसवां मंडल सबसे नवीन है। ठीक है, और दसवें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पुरुष सूक्त में। ठीक है, आगे अभी सब बताया जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें होत्र या होता कहते थे। ठीक है, दसवां मंडल सबसे नवीन है, यह क्वेश्चन पूछता है सबसे नया मंडल कौन है, तो दसवां मंडल। ठीक है, पहला मंडल भी नया है। ठीक है, लेकिन सबसे नया कौन है, तो दसवां मंडल। अब दसवें मंडल, नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम को, और ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था या होत्र। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। शूद्र, चार वर्ण व्यवस्थाएं थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है, पुरुष सूक्त में, जो कि दसवें मंडल में है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता पाई गई है। ठीक है, ईरानी ग्रंथ जो जैन अवेस्ता है, फारसी लोगों का एक ग्रंथ है। ठीक है, फारसी लोगों का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उसमें बहुत ही अधिक समानता पाई गई है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतमा कहा गया है। ठीक है, अभी सबसे पवित्र नदी कौन है, गंगा। ठीक है, अभी, लेकिन सरस्वती नदी उस समय सबसे प्रसिद्ध नदी थी और सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, जिसे नदीतमा कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार सिर्फ किया गया है। ठीक है, गंगा का उल्लेख, वो भी दसवें मंडल में, जो नवीन मंडल है उसी में सिर्फ किया गया है 1 बार। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि नया जो था उसी में 1 बार बस वर्णन किया गया है। पुराने ऋग्वेद में जो पुराने मंडल होते थे, 10 मंडल है। ठीक है, और सबसे नवीन मंडल दसवां है, उसी में गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, यह भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता जो है पुरुष प्रधान थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर थी, इसीलिए ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ठीक है, वह लोग हड़प्पा काल में क्या था, मात्र मतलब मूर्ति पूजा तो करते थे लोग, लेकिन महिलाओं की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे, यहाँ पर पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। इंद्र का वर्णन बहुत अधिक बार, 250 बार किया गया है। ठीक है, उसके बाद इंद्र की जो वर्णन है 250 बार किया गया है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद जो है संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है, संगीत शास्त्र पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्र कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद का जो पाठ करते थे पुरोहित उनको होत्र या होता कहते थे। ठीक है, और सामवेद का जो पाठ करते हैं, ठीक है, उस पुरोहित को उद्गात्र कहते हैं। ठीक है, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, तो प्रथम दृष्टा कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। ठीक है, सामवेद के सर्वप्रथम 7 स्वरों सारी गामा, ठीक है, पाधानी,
ठीक है, ये सब जानते होंगे आप लोग। सात स्वर संगीत के होते हैं की जानकारी प्राप्त होती है। सातों स्वरों की जानकारी सामवेद से ही सर्वप्रथम प्राप्त होती है। सामवेद और अथर्ववेद की कोई अरण्यक नहीं है। सभी वेदों के अरण्यक हैं, लेकिन सामवेद और अथर्ववेद की कोई अरण्यक नहीं है। अरण्यक अभी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है, ठीक है। सभी वेदों चार वेद हैं तो उनके उपवेद भी होते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। यजुर्वेद के बारे में चलिए जान लेते हैं। इसमें यज्ञ की विधियों या कर्मकांडों पर बल दिया गया है, ठीक है। इसमें अधिकतर यज्ञ के बारे में बताया गया है, नरबलि इसमें बलि के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, इसका पाठ करने वाले अर्धवई कहलाते थे, ठीक है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र है। तो देखिए, ऋग्वेद का जो पाठ करते थे उस पुरोहित को होत्र या होता कहते थे, सामवेद का जो पाठ करते थे उस पुरोहित को उद्गात्र कहते थे, और यजुर्वेद का जो पाठ करते थे उसे अर्धवर्यो कहते थे, ठीक है। चलिए, इसमें 40 मंडल, यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है, ठीक है। हाथियों के पालने के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का 3 उल्लेख मिलता है। तो राजसूय यज्ञ के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ही यज्ञों के बारे में बताया गया है, और वाजपेय यज्ञ के बारे में, राजसूय यज्ञ श्री राम ने भी किया था, ठीक है। तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम इनका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है इसमें, ठीक है। इनकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का भी कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है। सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। यजुर्वेद के उपनिषद मुंडक मांडुक्य और प्रसन्न है। अथर्ववेद में कुक के राजा कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। कुरु के राजा परीक्षित आप लोगों को पता होगा, ठीक है, महाभारत काल के थे एक तरह से, ठीक है। तो कुरु के राजा परीक्षित जो थे उन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया अथर्ववेद में। और ये अधिक यह किससे संबंधित है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो यह जादू टोना तंत्र मंत्र टोटका से संबंधित है, ठीक है। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था, ठीक है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वैदिक काल में क्या होते थे, 4 समिति थी, ठीक है। 4 समिति, समा सभा समिति गण, ठीक है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। अरण्यक के बारे में चलिए जान लेते हैं। अरण्यक वनों में रचने के कारण अरण्यक कहे गए हैं, ठीक है। अरण्यक जो हैं इन ग्रंथों को वनों में रह करके ऋषि मुनियों ने लिखा है, इसीलिए इसे अरण्यक कहा गया। आया बात समझ में? अरण्यक जो है इन ग्रंथ, यह एक ग्रंथ है, इन ग्रंथों को ऋषि मुनियों ने वनों में रह करके जंगलों में रह करके लिखा हुआ है, इसीलिए इनको, ठीक है, अरण्यक कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय है, तैत्तिरीय है, माध्यंदी, संखायन, मैत्रायणी, तल्वकार और वृद्धारण्यक, ठीक है। ये 7 प्रमुख अरण्यक हैं। उपनिषद को बारे में जान लेते हैं। उपनिषद से क्वेश्चन आते हैं, तो उपनिषद जो है यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कभी कोई पूछ सकता है, उपनिषदों की संख्या, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा वेदाई पुरुष की नाक, व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, छंद कल्पसूत्र निरुक्त और ज्योतिष, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वेदों से संबंधित ब्राह्मण, पहले वेदों से संबंधित ब्राह्मण देख लेते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐतरेय, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण
पंचवीस या जैमिनी, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण सतपथ, और अथर्ववेद से संबंधित गोपथ। ठीक है, वेदों से संबंधित उपनिषद देख लेते हैं। वेदों से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद का ऐतरेय, ठीक है, ब्राह्मण भी ऐतरेय और उपनिषद भी। सामवेद से संबंधित उपनिषद छांदोग्य, यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक और अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद मुंडक है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, वेदों से संबंधित उपनिषद हो गए और वेदों से संबंधित ब्राह्मण हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वेदों से संबंधित अरण्यक के बारे में। वेदों से संबंधित अरण्यक कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय, सामवेद से छांडोग्य या जैमिनी, यजुर्वेद से बृहदारण्यक और अथर्ववेद से कोई नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, वेदों से संबंधित उपवेद देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, उपवेद जरूर आते हैं, कुछ भी नहीं याद कीजिएगा तो उपवेद जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल का या उत्तर वैदिक काल का, मतलब वैदिक काल, आप ऐसे कहिए वैदिक काल का। ठीक है, जितने भी वेद रचे गए, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनसे संबंधित उपवेदों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। चलिए आगे बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में राजनैतिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में कबीलियाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, राजा को जनस्य, गोपा, पुरभेत्ता, विष्पति, गणपति या गोपत कहा जाता था। ठीक है, और स्त्रियां सभा समिति एवं विदथ में भाग लेती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी कहां कहां भाग लेती थी? सभा समिति और विदथ में भाग लेती थी, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो देखेंगे कि स्त्रियों को इन सभी जो समितियां बनी हैं चारों, ठीक है, उनसे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रशासन की स्त्रियों की दशा दयनीय हो जाएगी, मतलब ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में भी हम जानेंगे स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल आएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे स्त्रियों की दशा दयनीय होती जाएगी। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। ठीक है, जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित अस्थाई सेना नहीं रखता था, अभी राजा के पास कोई भी नियमित अस्थाई सेना नहीं थी, इसीलिए युद्ध भी नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे राजा के पास अस्थाई सेना होने लगी, युद्ध होने लगा, साम्राज्य का विस्तार होने लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सभा समिति और विदथ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सभा जो था श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार इनको प्राप्त होते थे। समिति जो थी यह जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सभा और समिति जो है, राज सभा समिति और विदथ, यह तीनों जो संस्थाएं हैं और एक गढ़ भी है, चार संस्थाएं। ठीक है, इन लोगों इन चारों जो संस्थाएं बनी हैं, इन लोगों का काम था, इन लोगों का, इन चारों संस्थाओं का, कि राजा को जरूरी आवश्यक बातें बताना, उनकी सहायता करना। ठीक है, राजा को संचालित करने में, राजपाठ संचालित करने में सहायता करना। ठीक है, और सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। ठीक है, विदथ के बारे में जान करते हैं। संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदथ में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ठीक है, ऋग्वेद में विदथ का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, विदथ में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था, ऋग्वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया, ऋग्वैदिक काल में नहीं, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया विदथ को। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में तो था। चलिए बात करते हैं वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। तो सप्त सैंधव की अगर बात करें तो सिंधु,
रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र, जितने भी नदियां हैं उन सारे क्षेत्रों को सप्त सैंधव कहा जाता था। इस प्रमुख क्षेत्र वैदिक काल के अंतर्गत आते थे। ब्रह्मवर्त दिल्ली के समीप का क्षेत्र, ब्रह्मर्षि गंगा यमुना का दोआब जो है, दोआब मतलब इनके बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र उसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, ठीक है। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग, उत्तरापथ विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश, ठीक है। अन्य तथ्य जो आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने सोचा कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इसीलिए सभी चीज़ें बताना आवश्यक है, इसीलिए मैंने सभी चीज़ें बताया हुआ है, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ तो सभी चीज़ें जानना आवश्यक है, मैं जानता हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको जानना आवश्यक है। तो अन्य तथ्यों के बारे में विचार कर लिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। अथर्वेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था, ठीक है। अथर्वेद में क्या लिखा है कि कुछ भी अगर बंटवारा होता था, जैसे आपने अभी पढ़ा विदत एक संस्था थी जिसमें क्या होता था, लूट का जो माल होता था, लूट का जो धन होता था उसका बंटवारा किया जाता था, तो अथर्वेद में यह लिखा हुआ है कि राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था, ठीक है। लूट का भी 1/16 पूरा मिला करके आय जो था, चाहे कर मिलता हो, कर से भी जो धन प्राप्ति हो, चाहे लूट से, चाहे कुछ भी हो, जितना भी आय हो उसका 1/16 राजा को मिल जाता था, ठीक है। वैदिक काल में बलि एक कर था, बलि के रूप में राजा को लोग कर देते थे, ठीक है, खुशी खुशी देते थे, ठीक है। ऋग वैदिक काल में कोई एक जबरदस्ती नहीं थी, जिसको मन करता था देता था, लेकिन धीरे धीरे यह एक प्रथा बन गई, कर देना आवश्यक हो गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, फिर जब महाजनपदों का विकास हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे कर देना आवश्यक हो गया, ठीक है। पहले तो यह खुशी खुशी लोग देते थे, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और दुखों का स्रोत बताया गया है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और दुखों का स्रोत बताया गया है, यह आप लोगों को ध्यान देना है। और ऐतरेय ब्राह्मण लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में एक तरह से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे स्त्रियों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब उत्तर वैदिक काल में आएंगे, फिर उससे आगे आएंगे महाजनपदों का विकास होगा, हर एक वंश मतलब मगध साम्राज्य की स्थापना होगी, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा स्त्रियों की दशा और दयनीय होती जाएगी, ठीक है। और पुत्री को कृपण कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में और दुखों का स्रोत बताया गया, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज जो है, सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज जो था 3 भागों में विभाजित था। पहला जो था पुरोहित, दूसरा जनक राजन्य और तीसरा जो है सामान्य, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। जो 10वां मंडल है सबसे नया वाला है, ठीक है, और इसमें पुरुष सूक्त जो है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। समाज जो था पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उत्तर वैदिक काल आएगा, तो स्त्रियों की दशा दयनीय होती जाएगी। खैर, आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के, पहले हम ऋग्वैदिक समाज के बारे में जान लेते हैं। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, और शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उपनयन संस्कार, सभी संस्कारों के बारे में मैं बताऊँगा, 16 संस्कारों को क्या क्या होते हैं, ठीक है, यह आगे हम लोग पढ़ेंगे। और शिक्षा का व्यवस्था भी किया जाता था स्त्रियों का। स्त्रियाँ जो हैं वो सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, स्त्रियाँ जो थी सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थी, और स्त्रियों की दशा अभी तो अच्छी है, ठीक है। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा और सिक्ता को वैदिक ऋचाएँ लिखने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ये सब स्त्रियाँ जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब बहुत अच्छी स्थिति थी अभी। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था इस काल में। विधवा विवाह का भी प्रचलन था, मतलब कि अगर कोई स्त्री का पति मर गया तो फिर से विवाह भी कर सकती है, मतलब इतनी अच्छी स्थिति है,
ठीक है, उतना तो आधुनिक काल में भी नहीं था, ठीक है, वो तो राजा राम मोहन आए तब जाके विधवा विवाह, ठीक है, कर पाए कि विधवा विवाह पुनर्विवाह का संचालन कर पाए, मतलब ऐसा कानून बन गया कि अब लोग अगर किसी स्त्री के पति मर गए तो वो मतलब फिर से विवाह कर सकती है, मतलब उस समय था, लेकिन धीरे धीरे फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। और जाके अब ये अधिकार कब मिला, आधुनिक काल में, लेकिन अभी भी इस समय भी अगर हम बात करें 2019 में, तो भी अभी विधवा विवाह, जब कोई विधवा जो है विवाह करती है तो लोग उसे ताना मारते हैं या बुरी नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो उस समय इसका मतलब अच्छी स्थिति थी स्त्रियों की। उस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। घरेलू कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था, ठीक है, लेकिन कृषि कार्यों में उनको नहीं लगाया जाता था, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अमाजु किसे कहा जाता था, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को ही अमाजु कहा जाता था, इतना आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि अमाजु किसे कहते हैं। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को जघन अघन्या न मारने योग्य कहा जाता था। गाय की ये लोग पूजा करते थे, गाय को ये लोग कभी नहीं मारते थे, इसे न मारने योग्य कहा जाता था, ठीक है, अघन्या गाय को। आभूषण देख लेते हैं, कर्ण शोभन कान के आभूषण, कुरीर सिर पर धारण करने वाला आभूषण, निष्क गले का आभूषण और जोचनी मतलब अंगूठी, ये सब आभूषण थे स्त्रियों के। चलिए आगे बात करते हैं, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौण व्यवसाय था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, गोधन, मतलब गाय, जितने पास गाय जो है, जिसके पास जितनी ही अधिक होगी वह उतना ही अमीर माना जाता था, ठीक है। गाय जो है जिसके पास जितनी ही अधिक होगी वह उतना ही अमीर माना जाता था, ठीक है। गौधन ही क्या होती थी, संपत्ति होती थी। गायों का ही अदला बदला करके लोग सामान खरीदते थे, ठीक है। आर्य मुख्यतः तीन धातुओं सोना कांसा और तांबा का उपयोग करते थे, ठीक है, सोना कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस्क शब्द का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल में अगर बात करें तो लोहे का ये लोग प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, परिचित नहीं थे, या मतलब हो सकता है कि परिचित नहीं थे या उपयोग करना नहीं चाहते थे, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था, ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में, यहाँ बहुत ही डिफरेंस है, आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल में ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, लोहे का प्रयोग चालू हुआ, ठीक है। और जब लोहे का प्रयोग चालू हो गया तब वो लोग युद्ध करना, हथियार बनाना चालू हो गया, तब वो लोग युद्ध करना चालू किए। मतलब 1000 ईसा पूर्व तक राजा जो था कभी युद्ध करता ही नहीं था, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक राजा कभी युद्ध नहीं किया होगा, क्योंकि लोहे का प्रयोग नहीं था। लोहे का जो खोज था, ठीक है, वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। लोहे का जब खोज हो गया तो हल बने, बड़े बड़े मशीनें बनने लगी, ठीक है, और राजा जो था हथियार बनाने का आदेश दिया तो हथियार बनने लगे, ठीक है, लड़ाइयाँ होने लगी, अधिक मात्रा में खेती होने लगी, अधिक मात्रा में अनाज होने लगा, तो जब पेट भर गया, ठीक है, लड़ाई कब कोई कौन करता है, ठीक है, जब भूखा कोई रहेगा तो पहले तो खाना खोजेगा, ठीक है, और जब खाना मिल गया, ठीक है, तो फिर से खाना खोजेगा। लेकिन जब इकट्ठे इतना अनाज हो जाए, ठीक है, इतना अनाज हो जाए कि आपको फिर से कहीं खोजने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, इतना आप अनाज घर में रख लिए हैं, उसके बाद आप करेंगे क्या, तो आप इधर उधर की बातें सोचेंगे कि मैं करूं क्या, ठीक है। तो अनाज बहुत अधिक मात्रा में होने लगे, ठीक है, पैदावार बहुत अच्छी होने लगी, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, ठीक है, हल लोहे के बन चुके थे, ठीक है, कृषि का पैदावार बहुत अच्छी मात्रा में होने लगा था,
अब जब लोहे का आविष्कार हो चुका और कृषि जो है बहुत अच्छी मात्रा में होने लगी, ठीक है, अनाज बहुत अधिक उगाए जाने लगे, तो अब राजा ने सोचा भाई खाना तो हो गया, ठीक है, अब हमको चाहिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, ठीक है, कि खेती करने के लिए ज़मीन भी तो चाहिए, ठीक है, तो अब खेती करने के लिए ज़मीन का उपयोग वो लोग अधिक मात्रा में करने लगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये लोग क्या किए, लोहे का उपयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है, ठीक है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था, ये काम स्त्रियां करती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था, ठीक है। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। धर्म क्या था ऋग्वैदिक काल के, धर्म की स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक हमने देख लिया, सामाजिक देख लिया, ठीक है, धार्मिक स्थिति देखते हैं क्या था। तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे बहुदेववादी होते हुए भी एकश्वरवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है, बहुदेववादी थे, बहुत सारी देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन फिर भी ये लोग एकश्वरवाद में विश्वास रखते थे, मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। जैसे कि धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था, प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी, मतलब यह हुआ प्राकृतिक शक्तियाँ आप लोग क्या समझते हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ मतलब जैसे पानी बरसा, ठीक है, वायु, जैसे कि हवा चली तो उसको वो लोग कहें कि वायु देवता है, ठीक है, हवा चली मतलब वायु देवता है, ठीक है, आग जल रहा है तो अग्नि देवता है, ठीक है, पानी बरस रहा है तो जल देवता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये लोग प्राकृतिक रूप से जितने भी देवी देवता हैं उनका ये लोग पूजा करने लगे, ठीक है। इंद्र गाय खोजने वाला, शर्मा कुतिया, ऋषभ बैल, सूर्य अश्व के रूप में इन सब लोगों की पूजा की जाने लगी, ठीक है। और सब मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल में इंद्र का ही उल्लेख 250 बार हुआ है, 250 बार, इसका मतलब इंद्र देवता जो हैं इन लोगों के प्रमुख देवता थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंद्र देवता जो थे सबसे प्रमुख देवता थे। और ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी, मतलब देवताओं की ही बस पूजा होती थी, देवियों की संख्या बहुत कम है या है ही नहीं, ठीक है। 33 देवताओं की 3 श्रेणियाँ, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता थी, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आकाश के देवता में प्रमुख कौन कौन से हैं, तो ध्रौस, वरुण, मित्र, सूर्य, पुषण, विष्णु और आदित्य, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं, तो इंद्र, वायु, पूर्जन्य, यम, प्रजापति, ठीक है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी खुद हैं, अग्नि, सोम, बृहस्पति और बहुत सारी, ठीक है। अब ध्रौस जो है आकाश का देवता, उसको ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना गया है, ठीक है। बारिश होती थी तो उसको भी एक प्राकृतिक रूप से देवता माना गया, और इन्हीं इंद्र को ही बारिश का देवता माना गया, ठीक है, जिसको कि संसार का स्वामी माना गया, क्योंकि खेती करने के लिए बारिश की अधिक आवश्यकता होती है, खेती करने के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, और जब बारिश होती थी तो इनको बहुत अधिक अन्न की पैदावार अच्छी होती थी जब बारिश होती थी, और बारिश अगर ना हो तो सूखा पड़ जाता था, तो ये लोग इंद्र की ही पूजा करते थे अगर बारिश करवाना होता था, ठीक है। जैसा कि आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे, अधिकतर बारिश करवाना होता है तो इंद्र की पूजा होती थी, यज्ञ करवाया जाता है, ठीक है। तो बारिश मतलब वर्षा का देवता ये लोग इंद्र को मानते थे, इसीलिए इन लोगों के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, ठीक है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था, ठीक है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ठीक है। सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा गया है, ठीक है।
गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है, ठीक है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी जो सूर्य को समर्पित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। बस यही क्वेश्चन एक बार CGL में पूछा था, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, शायद 2015 वाले में, 2012 में कि 17 में पूछा था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार पूछा है। किरण पब्लिकेशन का आप बुक उठाइए, उसमें देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा कर देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय और इहलौकिक थी, इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी। उपासना की विधि ये लोग क्या करते, प्रार्थना करते थे या फिर यज्ञ करते थे, मतलब पूजा ये लोग कैसे करते थे, देवी देवताओं की पूजा कैसे करते थे ये लोग, तो या तो प्रार्थना करते थे या फिर यज्ञ करते थे, ठीक है। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था, इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग हमेशा ही यज्ञ नहीं करते थे, अधिकतर ये लोग प्रार्थना करते थे, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर ही यज्ञ करते थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते थे, वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो राजा को गोप्ता कहा जाता था, अतिथि को गोहंता या गोहन, युद्ध को गविष्टि गेश या गम्य, गाय को अघन्या, लांगन को हल को क्या कहा जाता था, लांगन, हल बहुत ही आवश्यक है। सीता खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियां या निशान को सीता कहा जाता था, बढ़ई को तच्छन, नाई को वाप्ति, मरुस्थल को धन्व और अनाज को धान्य, उर्वरा को जुते हुए खेत, ठीक है, खिल्ले को चारागाह और बेकनाट को सूदखोर, राज्यपति को चारागाह प्रमुख, ठीक है, कुलप को परिवार का प्रधान और अस्पस को गुप्तचर। वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम जान लेते हैं, ठीक है, वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम, क्रमू को कुर्रम, कुभा जो है काबुल, वितस्ता झेलम, यहाँ पर हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था, वितस्ता या झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच में, यह नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वितस्ता नदी, इसको बाद में झेलम नदी भी कहा जाता है आधुनिक काल में, ठीक है, हाइड स्पीच का युद्ध, ठीक है, यहाँ पर सिकंदर और पोरस, राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी, ठीक है। विपाशा व्यास नदी को और दृष्टावती घग्गर नदी को कहा जाता था, घग्गर नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मैंने बताया था, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा था, ठीक है, कालीबंगा नगर जो है, ठीक है, हड़प्पाकालीन नगरों में कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे पाया गया था। अस्किनी चिनाब नदी के किनारे, पुरुकड़ी रावी और सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक। ऋग्वैदिक देवियाँ कौन कौन सी है, अदिति उषा पृथ्वी आपह रात्रि अरण्यानी इला, ठीक है। ऋग्वैदिक यज्ञ कौन कौन से हैं, तो राजसूय यज्ञ जो है, ठीक है, राजसूय यज्ञ जो है और वाजपेय यज्ञ जो है, ठीक है, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, यह दोनों यज्ञ जो हैं इसको यजुर्वेद में सबसे पहले जो है बताया गया था, सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में ही किया गया था राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ठीक है। राजसूय यज्ञ जो है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित है और वाजपेय यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ जो कि बहुत सारे राजाओं ने किया, श्री राम ने भी किया था, ठीक है। राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी, इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जिन क्षेत्रों में जाता था वहाँ राजा का अधिकार हो जाता था। अगर उस घोड़े को कोई राजा पकड़ लेता था तब तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था और अधिकार करना पड़ता था, लेकिन अगर उस घोड़े को उस राज्य के क्षेत्र में अगर कोई पकड़ता नहीं था तो उस पर अधिकार समझा जाता था कि मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन जिस क्षेत्र से वह घोड़ा गुजरता गया, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि मेरा उस क्षेत्र पर अधिकार हो गया, ठीक है, जिसने वह अश्वमेध यज्ञ किया है, ठीक है।
अग्निष्टोष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जो है इसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा, कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी कि ऋग वैदिक काल में कबीले जो थे वही राजा को मदद करते थे, कबीलाई राज्य थे, ठीक है। तो अब यही जो है कबीलाई राज्य जो हैं, कबीलाई तत्व तो जो हैं, कबीलाई लोग वही मिल करके राज्यों का निर्माण करने लगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि लोहे का उपयोग होने लगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। सबसे बड़ी एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत हो गई। सर्वप्रथम लोहे को 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, ठीक है, 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा में प्राप्त किया गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक बार पूछा भी गया था UPSC के एग्जाम में कि लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना का दोआब जो था अतरंजी खेड़ा, वहाँ से प्राप्त किया गया, ठीक है। दोआब मैंने बताया कि दो नदियों के बीच का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच में जो मिट्टी होती है वह सबसे उपजाऊ होती है, उसी दोआब कहते हैं, ठीक है, उसे दोआब कहते हैं। तो वही जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ से प्राप्त किया गया 800 ईसा पूर्व में, ठीक है, लोहे को। और तकनीकी दृष्टि से उत्तर वैदिक काल में लौह युग की शुरुआत हो गई। अब उत्तर वैदिक काल में वेद जो है अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क और किस अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हो चुका था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उदय हो चुका था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं। कबीलाई ढांचा टूट गया था और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। जन्म का स्थान जनपद ने ले लिया, जन जो था वो जनपद में बदल गया। युद्ध गायों के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होने लगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऋग वैदिक काल में गाय जो थी सबसे बड़ा धन थी, गायों के लिए लोग युद्ध करने लगते थे, ठीक है। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वह उतना ही अमीर समझा जाता था, ठीक है। लेकिन अब युद्ध जो होते थे वो गायों के लिए ना होकर के क्षेत्र के लिए होते थे, जमीन के लिए होती थी। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों और धनी लोगों का अधिकार हो गया, ठीक है। सभा समिति विदत मैंने बताया था कि ये संस्थाएं थी जो राजा को परामर्श देती थी, ठीक है, और सभा और समिति को ही प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। लेकिन अब सभा और समिति पर इन धनी लोगों का अधिकार हो गया और विदत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है, विदत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई, स्त्रियों को जो है सभा की सदस्यता से ही बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब इनको अब वहाँ पर आने की छूट नहीं दी गई, इनको उसकी सदस्यता से ही बहिष्कृत कर दिया गया, सदस्य बने ही नहीं रहने दिया गया, ठीक है। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। राजा जो है अब बहुत ही ताकतवर हो गया, ठीक है। बलि के अतिरिक्त भाग और शुल्क दो नए कर लगाए गए और करों को जो है बहुत ही नए कर लगाए जाने लगे, ठीक है, और करों को आवश्यक बना दिया गया। पहले जो होता था कर जो है बलि के रूप में बस कर देना पड़ता था और वो भी जो लोगों की इच्छा होती थी वो देते थे, नहीं देना है तो नहीं देते थे। लेकिन अब जो है कर देना आवश्यक हो गया था और नए कर राजा लगा रहा था और धनवान होता जा रहा था, ठीक है। राजा की सहायता करने वाले जो उच्च अधिकारी थे वो रत्निक कहलाते थे। राजा कोई स्थानीय सेना अभी भी नहीं रख रहा था, ठीक है, लेकिन अब आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अस्थायी सेना रखने लगेगा, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था, समाज तो बहुत ही खराब हो गया है, चलिए पढ़ लेते हैं समाज को, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित नौकर जन वर्ग पर हो गया, ठीक है। पहले जो होता था ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला, उसमें जो है कर्म के आधार पर होता था वर्ण व्यवस्था, ठीक है, कि अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान है यज्ञ करा रहा है तो उसको ब्राह्मण माना जाता था।
जो युद्ध में निपुण है, ठीक है, शस्त्रों को चलाना जानता है वो क्षत्रिय कहलाता था, ठीक है, व्यापार जो करता है वो वैश्य कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब कर्म पर आधारित नहीं हो गया वर्ण व्यवस्था, अब जन्म पर आधारित हो गया। मतलब अब अगर ब्राह्मण के घर कोई जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे उसको कुछ भी आए चाहे न आए, ठीक है, चाहे वो यज्ञ करा पाए उसमें योग्य हो चाहे ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। राजा के घर में जन्मा, मतलब क्षत्रिय के घर में कोई जन्मा तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, चाहे उसको तलवार चलाने आए चाहे ना आए, ठीक है, वो चाहे कितना ही निठल्लू हो लेकिन वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, ठीक है। मतलब यह जन्म पर आधारित हो गया। इस समय लोग अस्थाई जीवन जीने लगे, ठीक है, अस्थाई जीवन जीने लगे। पहले लोग खानाबदोश थे, ठीक है, एक तरह से, लेकिन अब अस्थाई जीवन जीने लगे क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी। लोग एक जगह ही रुक करके अच्छे से अपना खेती उत्ती करके, ठीक है, और ज़मीन भी इन लोगों का अस्थाई हो गया, ठीक है, क्षेत्र इन लोगों का अस्थाई हो गया और वहाँ पर अपना अस्थायी जीवन जीने लगे। चार वर्ण हो गए, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, स्पष्ट स्थापित हो गए। पुरोहित मतलब ब्राह्मण हो गए, ठीक है, पुरोहित ब्राह्मणों को कहा जाता था। क्षत्रिय वैश्य व्यापार जो करते थे उनको वैश्य, और शूद्र जो लोगों की सेवा करते थे, ठीक है। यज्ञ का महत्व बढ़ गया था और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ब्राह्मणों को क्षत्रियों से भी ऊपर दर्जा मिला हुआ था, ठीक है, यही ब्राह्मण जो थे ये लोग यज्ञ करवाते थे, ठीक है, और राजा लोग इनको बहुत ही महत्व देते थे। क्षत्रियों से भी ऊंचा दर्जा ब्राह्मणों का था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ठीक है, इसमें चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। इस काल में तीन आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना हुई थी इसी काल में, ठीक है। चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में जोड़ा गया। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं चार आश्रम, लेकिन ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल तक सिर्फ तीन ही थे, ब्रह्मचर्य 25 साल तक, गृहस्थ 50 साल तक। जब देखो ब्रह्मचर्य जो होता है 0 से लेकर के, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, घर नहीं बसाना है, ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन बिताना है। गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर के 50 साल तक, ऐसा माना जाता था कि 25 से लेकर के 50 साल तक शादी कर लेना है और खुशी हंसी खुशी अपना घर घर में बिताना है बीवी बच्चों के साथ, ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 25 से लेकर के, मतलब 50 साल से लेकर के 75 साल तक जंगलों में चले जाना है, वानप्रस्थ आश्रम बिताना है, ठीक है, पूरा घर रोज छोड़ करके अपना जंगलों में बिताना है। उसके बाद संन्यास आश्रम 75 साल से लेकर के, उसके बाद पूरा जब तक तुम्हारे मृत्यु ना हो जाए, ठीक है, लगभग 100 साल तक ऐसा माना गया है, ठीक है। 25-25 साल में चारों को डिवाइड किया गया है, ठीक है, 25-25 सालों में चारों को डिवाइड किया गया है। और चौथा आश्रम जो महाजनपद काल में जोड़ा गया, ठीक है, संन्यास आश्रम, तो सन्यासी बनकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। चलिए आगे बात करते हैं। जावलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा पूछता है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो जावलोपनिषद में मिलता है, ठीक है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था, ठीक है, बाल विवाह अभी भी नहीं होता था और विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी बहुत गिरावट आ गई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया, लोहे की खोज हो चुकी थी और अस्थायी जीवन जीने लगे थे, इसीलिए कृषि बन गया। अच्छा, जितने लोग ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, शुरू से देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, जल्दी से आप लोग कमेंट दीजिए। सॉरी, मतलब लाइव तो है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है। मूलभूत जो व्यवसाय है वो तो कृषि और पशुपालन दोनों है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिए हम आ गए
तो लोहे की खोज हो चुकी है, इसी कारण से मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है शुरू से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा। और मुख्य फसल धान और गेहूँ थी। ठीक है, यजुर्वेद में व्रीहि धान, यौ मतलब जौ, गोधूम मतलब गेहूं की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कपास का उल्लेख नहीं हुआ है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ठीक है, मैंने बताया था पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा काल के लोगों ने ही किया था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग भी नगरवासी होने लगे थे। ठीक है, पहले तो ग्रामीण थे, धीरे धीरे नगरवासी होने लगे थे, नगरों का निर्माण होने लगा था, जिसमें से हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे शुरू शुरू के। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था, सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान से। ठीक है, हड़प्पा काल में मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि वस्तु विनिमय क्या होता था। कोई वस्तु मतलब तुम्हें पसंद है तो वह लेना चाहते हो तो अपने पास से कोई वस्तु दे करके उससे दे दो और उससे ले लो, वस्तुओं का विनिमय, वस्तु विनिमय यही कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निस्क, शतमान, पाद और कृपल माप की इकाइयाँ थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, चांदी का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ है। लाल मृदमांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। ठीक है, उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति पूछता है, ऋग वैदिक काल में हमने देखा था धार्मिक स्थिति। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। धर्म का स्वरूप बहुदेववादी और उद्देश्य भौतिक सुखों का प्राप्ति था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में हमने देखा था कि बहुदेववादी तो था, लेकिन ये लोग उत्तर वैदिक काल के पहले वो लोग बहुदेश्वरवादी तो थे, लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुदेववादी तो स्वरूप है और इनका उद्देश्य क्या है, भौतिक सुखों की प्राप्ति। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं कि प्रजापति, विष्णु और रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। ऋग वैदिक काल में हमने देखा कि इंद्र जो हैं, इंद्र वो प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि रुद्र, विष्णु और प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। ठीक है, और सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था, और यहाँ पर प्रजापति जो हैं प्रमुख देवता बन गए हैं, सबसे ऊँचा स्थान। पूषण शूद्रों के देवता थे। ठीक है, शूद्रों के देवता कौन थे, पूषण। चार वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो थे सबसे नीचे आस्ते थे और उनका सिर्फ काम था दूसरे लोगों की सेवा करना। ठीक है, यज्ञ का महत्व बढ़ा और जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। मृत्यु की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है कि हाँ भाई मृत्यु होती है। ठीक है, तो मृत्यु की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है, उपनिषद में जो कि दार्शनिक स्वरूप है एक तरह से। ठीक है, मोक्ष की चर्चा उसी में मिलती है। और पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्य उपनिषद में मिलती है, पुनर्जन्म की अवधारणा। ठीक है, पुनर्जन्म मतलब पहले का जो जन्म है उसके बारे में, पिछले जन्म के बारे में चर्चा जो होती है उसकी अवधारणा जो सबसे पहले मिलती है बृहदारण्य उपनिषद में मिलती है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। छांडोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जाबलूषण में 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। चौथा आश्रम जो है संन्यास और महाजनपद काल में स्थापित है। ठीक है, ब्राह्मण आश्रम जो है 0 से 25, जिसका कार्य था ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, शिक्षा लोग लेते थे। ठीक है, जिसका पुरुषार्थ था धर्म। गृहस्थ आश्रम 26 से लेकर 50, सांसारिक जीवन व्यतीत करना, अर्थ और काम। वानप्रस्थ आश्रम 51 से लेकर 75 तक, मनन, चिंतन और ध्यान लगाना, और इसका पुरुषार्थ था मोक्ष प्राप्त करना। संन्यास आश्रम जो है 76 से 100, मोक्ष हेतु तपस्या करना, और इसका भी पुरुषार्थ था मोक्ष। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य
त्रिवर्ग पुरुषार्थो धर्म अर्थ और काम का एक साथ उपयोग करता है। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि इसी आश्रम में, मतलब गृहस्थ आश्रम में ही त्रिवर्ग मतलब अर्थ धर्म और काम का एक साथ उपयोग करता है, और ऋषि ऋण मतलब ग्रंथों का अध्ययन करता है तो ऋषि ऋण से मुक्त होता है, पुत्र प्राप्ति करता है तो पितृ ऋण से मुक्त होता है, और यज्ञ करता है इसीलिए देव ऋण से मुक्त हो जाता है। नोट देखिए, मतलब क्या जानने वाली बात है कि शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। शूद्र जो होते थे वो तीनों आश्रमों में से, उत्तर वैदिक काल की अभी हम बात कर रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ तीन आश्रम होते थे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास तो महाजनपद में आएगा। ठीक है, तो शूद्र जो थे सिर्फ गृहस्थ आश्रम अपना सकते थे और बाकी के नहीं। वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में वर्णों का आधार कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आधार जन्मजात बन गया। पुरोहित जो थे उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुए, कार्य इनका क्या था, धार्मिक अनुष्ठान करना। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से इनका जन्म हुआ पुरोहित का, और इनका कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना था। क्षत्रिय जो थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मा की भुजा से हुआ, और इनका कार्य शासक वर्ग मतलब धर्म की रक्षा करना, क्षत्रिय कहलाएंगे। वैश्य जो थे इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघाओं से हुआ, इनका कार्य कृषि व्यापार और वाणिज्य करना था, इनका जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ। शूद्र जो थे इनका जन्म जो है ब्रह्मा के पैर से हुआ, और इनका कार्य इसीलिए सेवा कार्य करना था, अन्य वर्ण के लोगों की सेवा, जैसे पुरोहित हो गए, क्षत्रिय या वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना शूद्र लोगों का काम बन गया। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था, कर की अदागाई केवल वैश्य किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विवाहों के प्रकार देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह जो होता था समान वर्ण में विवाह कन्या का मूल्य देकर, दैव विवाह जो होता था पुरोहितों के साथ विवाह दक्षिणा सहित, आर्य विवाह कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, प्रजापति विवाह बिना लेन देन योग्य वर के साथ विवाह, असुर विवाह कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह, गंधर्व विवाह बहुत ही प्रचलित विवाह था, प्रेम विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की पुत्री बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया जाता था तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता था, और पैसाच विवाह सोती हुई स्त्री नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह किया जाता था तो उसको पैसाच विवाह किया जाता था। ठीक है, ये सब जो हैं विवाह के प्रकार है 8 तरह के। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी UPSC में। ठीक है, वैसे अभी तक तो शायद नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह एवं प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ब्राह्मण जो थे वो कौन कौन से विवाह करते थे, ब्रह्म विवाह मतलब समान वर्ण में ही विवाह करना, ठीक है, कन्या का मूल्य देकर, ब्रह्म विवाह मतलब समान वर्ण में ही विवाह करना, मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यहाँ ही विवाह करना है, दैव विवाह कर सकते थे मतलब पुरोहित के साथ विवाह कर सकते थे, आर्य विवाह कर सकते थे, ठीक है, कन्या के पिता को नर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, और प्रजापति विवाह ब्राह्मण कर सकते थे, असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में होता था, असुर विवाह कन्या को उसके पिता से खरीद कर ये लोग विवाह करते थे। ठीक है, और गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, ये सिर्फ क्षत्रियों में होता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय दर्शन, दर्शन आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं और इसके प्रतिपादक कौन कौन से थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सांख्य दर्शन जो है इसका आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि है। योग दर्शन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसका जो आधार ग्रंथ है योग सूत्र है, पतंजलि इसके प्रतिपादक है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है और इसका आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है। वैशेषिक जो है दर्शन उसका वैशेषिक सूत्र है और कराद या उलुक जो है प्रतिपादक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी इसके प्रतिपादक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्व मीमांसा सूत्र जो है
आधार ग्रंथ है। उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र वेद व्यास या वादरायण, ठीक है, यह इसका प्रतिपादक किए थे। अब इसका प्राचीन धार्मिक आंदोलन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग दोहराइए, तब तक अच्छे से पढ़िए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों मैंने एक ही चैप्टर में पढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। पढ़ना तो था ही, तो एक ही वीडियो में पढ़ लिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी तो हिस्ट्री मिल रहा है, ज्योग्राफी भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। शेयर करते रहिए, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, आपका ही परिवार है, जितने लोग जुड़ेंगे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो और मोटिवेशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।